Hello students, I'll be your educator for this question. So this question says that which of the following graphs is true for the given mass of a gas at constant temperature? So this question हमसे कह रहा है कि ये जो given options हैं, इनमें से कौन सा graph correct है for a gas at constant temperature? So देखिए at a constant temperature, यहाँ पर हमने given क्या है? That जो हमने gas ली हुई है, उसका हमने temperature constant रखा हुआ है. That temperature is constant, all right? तो जब constant temperature हम कर देते हैं तो जो gas है वो Boyle's law follow करती है. So according to Boyle's law, at constant temperature, PV, this is equal to KT, right? सो यहाँ पर अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो ये पूरा कॉन्स्टेंट है, दैट इज दिस इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, राइट. नाउ अगर हम इस के टी को कोई कॉन्स्टेंट या कैपिटल के लिख दें, स्मॉल के लिख देते हैं फॉर इंस्टेंस, सो हम लिख सकते हैं दैट पी वी इज इक्वल टू स्मॉल के, क्योंकि के टी के इक्वल है और टी वी कॉन्स्टेंट है, के भी कॉन्स्टेंट है, सो हमने इसको स्मॉल के लिख दिया, राइट. तो यहाँ से हम वी की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, वी विल कैन बी रिटन एज K over P. Now अगर हम स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन से इसको कंपेयर करें तो स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन क्या होती है, Y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. तो यहाँ तो कोई इंटरसेप्ट है नहीं, C स्टैंड्स फॉर इंटरसेप्ट, सो इसको हम C को जीरो रख करके Y इज इक्वल टू एम एक्स रख सकते हैं. तो अगर हम इसको और इस लाइन की इक्वेशन को कंपेयर करें, सो यहाँ पर Y कोऑर्डिनेट क्या है, V, और X कोऑर्डिनेट है 1/P, M इज द स्लोप, राइट. सो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, दैट इज दैट पासिस थ्रू दी ओरिजिन. सो यहाँ पर जो वाई है दिस इज वी, एंड जो एक्स कोऑर्डिनेट है दैट इज 1/P. सो अगर हम ग्राफ बनाएंगे सो ये 1/P और वी के बीच का जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन होगा, राइट. सो यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा, जैसे ये ग्राफ, ये हो गए हमारे एक्स एक्सिस, ये हो गए हमारी वाई एक्सिस, और यहाँ पर इनके बीच में जो ग्राफ बनेगा वो सेंटर से, ओरिजिन से पास करेगा, ऑल राइट. इसको जो इक्वेशन है वो इस लाइन, ये इक्वेशन ये होगा वी इज इक्वल टू के बाई पी, जहाँ पर जो हमारा इसका स्लोप होगा, स्लोप विल बी इक्वल टू के, क्योंकि एम स्लोप होता है और एम की जगह पर के है, और इसके वाई एक्सिस पर होगा वी और x एक्सिस पर होगा 1/P, ऑलराइट. ये होगा ग्राफ. सो अगर हम हमारे गिवन ऑप्शंस में से कंपेयर करें तो देखिए ए ऑप्शन मैचेस. सो जो ए ऑप्शन है दिस इज आवर आंसर. सो दस ऑप्शन ए हियर इज करेक्ट, ऑलराइट. सो आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन. थैंक यू.